अपनी स्मार्ट स्कूल। जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद सभी स्थानीय प्रीपेड सिम कार्डों पर कॉल और एसएमएस सुविधा बहाल की जाएगी। इसके साथ ही समीक्षा करने के बाद जम्मू संभाग और कश्मीर के 10 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल होगी। ये जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने दी। इसके साथ ही कंसल ने कहा कि बडगाम, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में अभी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। केंद्र सरकार के 36 मंत्री आज यानी कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के शहरों और गांवों का दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं खराब मौसम के कारण 3 केंद्रीय मंत्रियों की फ्लाइट जम्मू में नहीं उतर सकी, इस वजह से उन्हें श्रीनगर उतरना पड़ा। इन मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी चौबे और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। सभी मंत्री जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान वे उनकी समस्याओं से भी रूबरू होंगे। अनुच्छेद 370 खत्म होने व जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मोदी सरकार की ये पहली पहल है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वीर सावरकर को लेकर फिर एक बार कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वीर सावरकर का विरोध करते हैं वो किसी भी विचारधारा या पार्टी से नहीं हो। उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल में 2 दिन रहने दें, जहां सावरकर को बंधक बनाया गया था, तब उन्हें उनके बलिदान और उनके योगदान का एहसास होगा। लद्दाख के कारगिल में गुरुवार को आए बर्फीले तूफान में सेना का एक जवान शहीद हो गया, साथ ही 3 अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों का उपचार चल रहा है। वहीं शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज यानी कि शनिवार को उनके पैतृक घर ले जाया जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन का आज 34वां दिन है। एक ओर जहां ये प्रदर्शन पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए मिसाल बन रहा है, वहीं इसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर 35 छात्रों ने हाईकोर्ट में शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ याचिका डाली है। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन के चलते बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में काफी परेशानी आ रही है। मध्य प्रदेश आतंकवादी निरोधी दस्ते ने भाजपा के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कथित तौर पर संदिग्ध लिफाफा भेजने के मामले में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद ठाकुर ने सोमवार को भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें किसी ने कुछ लिफाफे भेजे हैं जिसमें जहरीला रसायन पदार्थ है। पुलिस ने ठाकुर के आवास से 3-4 लिफाफे बरामद किए जिसमें से कुछ उर्दू में लिखे हुए थे। हिजबुल कमांडर नवीद बाबू के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने संभाल लिया है। गृह मंत्रालय ने NIA को जांच अपने हाथों में लेने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देवेंद्र को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। एक और जहां निर्भया के माता पिता और पूरा देश 7 साल से उनके गुनाहगारों को फांसी पर लटकता देखने का इंतजार कर रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल इंदिरा जयसिंह ने निर्भया की मां से अपील की है कि वो दोषियों को माफ कर दें। इंदिरा के इसी बयान से निर्भया की मां आशा देवी आहत हैं और उन्होंने नाराज होते हुए पूछा कि क्या आपकी बेटी या आपके साथ ऐसा होता तब आप ये कह सकती थीं। दिल्ली में 2013 में 5 साल की बच्ची गुड़िया के साथ गैंगरेप के केस में दोनों आरोपियों मनोज और प्रदीप को अदालत ने दोषी करार दिया है। शनिवार को गुड़िया गैंगरेप केस में दिल्ली की कक्कड़डूमा कोर्ट ने प्रदीप और मनोज को दोषी करार दिया। गुड़िया के साथ जब ये दरिंदगी हुई थी तब उसकी उम्र महज 5 साल थी। गैंगरेप के बाद दोनों आरोपियों ने गुड़िया को जान से मारने की कोशिश की थी। अदालत ने आज सजा का ऐलान नहीं किया है। सजा पर कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगा।